सो गाइज आई एम सुपर स्टोक टू अनाउंस दैट नेक्स्ट स्टेप का नया लॉन्च लाइव हो चुका है और ये बात बोलने के लिए वहाँ से यहाँ भाग के आया हूँ। थर्ड टेक है और अभी भी नहीं खरीदा ना तो बता रहा हूँ भाई गलत सीन हो जाएगा। नॉर्थ दिल्ली मजनू के टीले पे। हाँ। और अर्जुन कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कलसान कैफे, मेल गली में भाई। नागटेबर ट्रिप से वापस आए थे, तभी भी हमने कलसान कैफे में खाया था तो हमें बहुत पसंद था, तो हमने पता करा वो दिल्ली में भी खुला है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। भैया देर हो गया। और मैं हूँ, अर्जुन है, योगी, बसरा और रोहित। सो गाइज अभी आपने जो खाना देखा वो सारा का सारा बहुत ही ज्यादा लजीज था और कैलसन के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में मैं खाना खा ही चुका हूँ तो हर बार मुझे अच्छा ही लगा। कैसा था खाना? बढ़िया था भाई, बढ़िया। बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी, मस्त पेट भर चुका है। योगी ये ट्राई करा। 10 बज चुके हैं, किचन वगैरह सारा बंद हो चुका है, हम आखिरी ग्राहक है यहाँ पे और वहाँ से हमें बार बार देख रहे हैं कब निकलेंगे, बट हम यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए रुके हुए हैं। अर्जुन सही रहा खाना? देखो इन्हें ये और ट्रिप, अर्जुन ट्रिप का क्या सीन है भाई? चलिए पक्का चलो भाई। और अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि अर्जुन को कौन सी बीमारी हुई थी और गुप्त रोग मैंने आपको बता दिया था, देखा था बाकी आप लोग बताइए। आमा कैफे बोलता हूँ, हाँ यहाँ पर आमा कैफे भी है कि बहुत फेमस है। एक बार मैं बहुत पहले आया था अर्जुन के साथ बट व्लॉग में कवर नहीं किया, तो यहाँ पे बहुत फेमस है और ये वैसे भी जगह बहुत फेमस है बट हमारे घर से थोड़ी सी दूर है इसलिए हम यूजुअली यहाँ पे आते नहीं है, बट आगे से आएंगे भाई। अर्जुन अर्जुन क्या आ गई भाई अर्जुन की भाई? ओके भाई अभी नहीं खाते, पहले मेरे भाई निकल निकल चल निकल अर्जुन चल। हाँ 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 भाई योगी ने सिखाया था मेरे को बहुत पहले, बहुत सालों पहले योगी ने सिखाया था मेरे को। So guys, now I'm going to give you a brief about the things that we have launched this time, and I'm very, very excited to share this with you all. Guys, नया launching next trip का मजा आएगा। क्या भाई? मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद आइयो। अरे क्या हो गया भाई? करने देना। नहीं 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 भाई, नहीं सॉरी, निकलो आप निकलो। पहले हम आए थे भाई, हम बोलेंगे पता नहीं कहां से आए थे ऐसे लोग। So guys, this time we have launched a black full sleeves, जो कि शोल्डर्स, आर्म्स और अपर चेस्ट से पूरी वेल फिटेड है एंड इट लुक्स वेरी गुड एंड अपीलिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। खुद से नहीं बना रहा हूं भाई, आप देख सकते हो। और फ्रॉम योर बेली एरिया इट्स नॉट टू टाइट, अगर आपकी थोड़ी सी बेली है तो वो उस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा। एंड सामने से इट्स अ बिट लॉन्गर, तो अगर आप पुलअप्स वगैरह मार रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पेट में चढ़ जाती है, कभी कभी टी शर्ट होती है ना ऊपर चढ़ जाती है आपका पेट दिखता है, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। सामने से थोड़ी सी लंबी रखी गई है और साइड से स्लिट डाला गया है ताकि इट लुक्स वेरी वेल फिटेड एंड वेरी प्रीमियम और एस्थेटिक लगती है।
एंड इसके साथ वी हैव लॉन्च्ड आवर ब्लू जॉगर्स, और इससे पहले ब्लैक जॉगर्स लॉन्च हुए थे, ये उसी का ब्लू वेरिएंट है, साइड में व्हाइट स्ट्रिप, एंड दीज आर द बेस्ट डैम जॉगर्स इन इंडिया एट दिस प्राइस रेंज. मैं इतने सालों से जिम कर रहा हूं, मैं खुद भी जॉगर्स वगैरह ढूंढता रहता हूं, मैंने बहुत सारे जॉगर्स ट्राई करे हैं, सस्ते 500-600 वाले भी करे हैं और 2000-2500 के नाइकी एडिडास वाले भी ट्राई करे हैं, एंड दीज आर द बेस्ट. ये दिखने में स्लीक लगते हैं, बट स्लीक के साथ साथ ये अनकंफर्टेबल नहीं है, दीज आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. आप इसमें स्क्वाट मारो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वाट मारो, पैर उठाओ, जो मर्जी करो, नाचो, इट्स अमेजिंग. और दिखने में दे लुक वेरी यू नो टाइडी, मतलब बॉडी को फिट करते हैं, बट ओवर फिट भी नहीं करते कि भाई अब हल्का सा पैर ऐसे करो तो भाई यहां से फट जाए, ऐसा वाला सीन नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बेस्ट डैम जॉगर्स इन इंडिया एट दिस प्राइस रेंज. अब तेरी बारी भाई, आजा. सो गाइस, अब मेरी बारी आ चुकी है. आई नो इस बंदे ने अभी आपको बहुत पकाया, बात बिल्कुल सही बोली, लेकिन बहुत पकाया, तो मैं आ गया हूं आपको एंटरटेन करने. तो जो हमारा ब्लैक फुल स्लीव्स है उसका एक और वेरिएंट है, दैट इज दिस व्हाइट एंड ब्लैक, एंड दिस इज ग्रेट अगर आपको थोड़ा बहुत यू नो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अपने लाइक जिम आउटलुक में अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरी तरह. सो दिस लुक्स सटल, बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता, मतलब चमकीला उमकीला भी नहीं लग रहा, बट एट द सेम टाइम क्लासी भी लग रहा है. सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट एंड आई एम श्योर दैट्स वॉट यू वॉन्ट. और फिटिंग वगैरह के बारे में क्या ही बोलूँ, इतनी अमेजिंग है, पूरा बैक से टाइट, आर्म से, शोल्डर से टाइट, और बेली से इतना ज़्यादा टाइट नहीं है. तो थोड़ी बहुत अगर आपकी तोंद है तो पहली बात उसको कम करो, और दूसरी बात अगर है भी तो वैसे दिखेगी नहीं, ऐसे चमकेगी नहीं. सो दैट्स समथिंग वी ऑल वॉन्ट. ठीक है, मेरी भी थोड़ी तोंद आती है तो अच्छा लगता है ना, ऐसे लटक रही होती है तो ये वाला सीन हो जाता है. तो बाकी बढ़िया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, फटाफट जाओ शॉप करो. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, फॉर द फर्स्ट 3 days द एंटायर स्टोर इज एट 20% ऑफ. ये ऑफर फिर से नहीं आएगा, अभी बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, फटाफट जाके खरीदो. एंड अदर देन दैट, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो काफ़ी टाइम से, एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट माई चैनल, देन दिस इज द वे यू सपोर्ट, यू गो एंड शॉप. एंड सपोर्ट भी क्या, इसके बदले आपको इतने फार कपड़े मिल रहे हैं एट सच ग्रेट प्राइजेस, तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस. सो फटाफट जाओ और खरीदो. Tofu is a very good source of protein, but I don't really eat it because it tastes to chodo, it smells like shit and taste bhi kuch khas hota nahi hai, and I'm talking about raw tofu. Kyunki abhi main shop pe gaya tha to maine market mein dekha ki kafi seasoned tofu bhi aa gaye hain, wo maine kabhi try nahi kare, aage try karte, koi dikkat wali baat nahi hai, but abhi maine apne liye ब्रेड ऑमलेट बनाया और बीच में टोफू की लेयर टू ऐड सम एक्स्ट्रा प्रोटीन. विल टोफू डिसअपॉइंट मी अगेन, लेट्स फाइंड आउट. नॉट बैड, खाया जा सकता है, बट दिस इज टोफू विद ब्रेड एंड एग्स. टोफू अकेले मैं अभी भी नहीं खा सकता. सो गाइज, येट अगेन आई एम गोइंग टू द जिम अलोन, एंड मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट हैव एनीवन टू रिकॉर्ड माई वीडियोज. और आई नो ये थोड़ी सी सेल्फिश चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बट सच ही बोल रहा हूँ ना यार, आई एम अ यूट्यूबर मैन, आई नीड अ लिटिल हेल्प हेयर एंड देयर टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़ स्पेशली इन द जिम. बट कोई नहीं, वी आर गोइंग टू मैनेज इट समहाउ, क्योंकि मुझे अपना जिम बहुत पसंद है, क्योंकि सारे लोगों को पता है मैं यूट्यूब वीडियोज़ ऐसे रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ. सो नोबडी यू नो इंटरफेयर्स या डिस्टर्ब्स मी एज सच, और मैनेजमेंट भी काफ़ी लाइक सही है, तो मेरा मतलब सॉर्टेड सीन हो जाता है. अबे यार गलत रोड से आ गया, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, शिट मैन. एंड वैसे सही है अकेले वर्कआउट करना, क्योंकि जल्दी आता है, कोई दोस्त वगैरह साथ में होता है ना तो बातें बातें करो तो टाइम फालतू को लग जाता है. आज थोड़ा बहुत फील होने लग गया है कि जो गर्मी वाला सीज़न है, जो सबसे मनहूस सीज़न होता है, वो वापस आने लग रहा है, मतलब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हल्की सी चुभन सी फील होने लग गई है धूप से, और दैट्स द मोस्ट अनोइंग थिंग.
आई विश कि मैं दिल्ली में सिर्फ सर्दियों में रह सकूं और गर्मियों में कहीं और चल जाऊं पहाड़ों में। सो गाइज आई थिंक देर इज सम कंफ्यूजन क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मैंने अपने चैनल में कई बार बोल दिया है कि आई एम डूइंग स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट्स। सो उससे लोगों को लगने लग गया है कि आई ओनली डू भाई सुमो डेडलिफ्ट्स या स्क्वाट्स या फिर बेंच प्रेसेस फॉर वन रेप या टू रेप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉट आई मेंट इज कि इन माई ट्रेनिंग द प्रायोरिटी इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इन स्क्वाट्स बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट्स। बट मैं हर टाइप की एक्सरसाइज करता हूँ, हर टाइप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हर टाइप की कोई कर ही नहीं सकता, इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, बट बहुत ही ज़्यादा वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ, बट द प्रायोरिटी लाइज इन स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स एंड बेंच प्रेस। दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेन करेंटली और मज़ा बहुत आ रहा है। और भाई आज के दिन जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, आई वॉज फीलिंग एब्सोल्यूटली यू नो बीस्ट, मुझे लाइक बीस्ट मोड वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे बार बार शीशे में अपने मसल्स देख के मज़ा आ रहा था। तो इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज गुड डेज। सो गाइस रात के बज रहे हैं 12, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है लेकिन कुछ उल्टा सीधा खा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीकेंड पे चीट मील ले लिया है। अब बैक टू माई डाइट, बैक टू द बेसिक रूटीन, क्योंकि भाई आई हैव अ गोल इन माइंड और ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन उल्टा सीधा खाते रहूँगा तो बात नहीं बनेगी। बट वीकेंड पे जो चीट मील लिया बहुत फन था, दोस्तों के साथ खाया पिया, बहुत टेस्टी खाना था, मतलब अभी भी सोच रहा हूँ उसके बारे में तो मज़ा आ रहा है। और अभी भूख लग रही है तो पानी पी पी के अपना पेट भर रहा हूँ एंड दिस एक्चुअली वर्क्स, सही टाइम पास हुआ था पानी पी पी के भी। और मैं अपनी लास्ट वीडियो के यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें मुझे किसी बंदे ने बोला है टू गेट ग्लासेस बिकॉज आई सिट इन फ्रंट ऑफ द पीसी। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था टू गेट दोज ग्लासेस, कुछ ब्लू लेंस ग्लासेस जो भी होते हैं वो। और फिर मेरे दिमाग से वो बात निकल गई, तो अभी मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा, देखता हूँ कि क्या होते हैं, फिर मंगवा ही लूँगा। और आपको कुछ पता है तो मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में। और समीर भाटिया ने बोला है आई थिंक यू शुड मेक मोर वीडियोस विद योर यामाहा FZS। और ये मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में पूछा था कि क्या आपको मेरे मोटो व्लॉग्स वाला पार्ट देखने में मज़ा आता है कि नहीं, अगर आता है तो आई कैन डू मोर ऑफ इट। और काफ़ी लोगों ने पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स दिया था उसमें, तो आई मेक श्योर कि हेयर एंड देयर आई डू सम मोटो व्लॉग्स वाला पार्ट। मज़ा आता है मुझे भी वो करने में, तो आपको देखने में मज़ा आता है, तो मतलब विन विन सिचुएशन हो गई। एंड गाइज बाकी दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड देन लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बिस्ट। Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally